नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि ये आप जो करते हो दूसरों के लिए, मैंने कहा कि जो मुझे अनुभव है या जो मुझे मिला है वो मैं दूसरों में बांटूंगा। मुझे इसमें कोई भी आशा नहीं है किसी से भी। तो दोस्तों, अच्छी बात है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मैं बढ़ाता हूँ। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं उसमें गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। रंगीन राहें, रोड टू सक्सेस। थैंक यू। और एक बात कह दूँगा, नए जो सब्सक्राइबर है वो बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। लाल बटन दबाने से क्या होगा कि मेरी वीडियो जैसे भी रिलीज होगी आपको पहले ही इंटीमेशन मिल जाएगा। थैंक यू। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में बारे में बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि सीक्रेट एक्टिंग क्या होती है, सीक्रेट एक्टिंग टेक्निक क्या होती है और साइलेंट एक्टिंग क्या होती है। तो दोस्तों, ये जानने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम आजकल नए नए जो भी आयाम आते हैं वो एक्टिंग में भी आते हैं, दूसरे में भी आता है। तो दोस्तों, तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा सीक्रेट और साइलेंट एक्टिंग के बारे में। चलो शुरू करें। दोस्तों, अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली बोलती फिल्म कौन सी? दादा साहेब फाल्के की फिल्म थी, हरिश्चंद्र तारा में थी, वो पहली बोलती फिल्म थी। तो उससे पहले तो साइलेंट फिल्में ही चला करती थी, तो उसमें डायलॉग्स नहीं होते थे, सिर्फ एक्सप्रेशन से ही आर्टिस्ट जो भी होता था तो सामने वाले को अपनी बात कहता था और लाउड एक्सप्रेशन करने पड़ते थे क्योंकि मालूम पड़ने चाहिए। तो जैसे स्टेज पे लाउड एक्सप्रेशन होता है उसी टाइप का लाउड एक्सप्रेशन होता है, लेकिन उस टाइम पे लाउड एक्सप्रेशन करना पड़ता था। तो उसके बाद भी फिल्में आई बहुत सी, जैसे कि पुष्पक। उस पुष्पक फिल्म में भी डायलॉग, एक भी डायलॉग नहीं थे, तो लेकिन वो एक्सप्रेशन से ही बता देते थे कि, तो उसी को सही एक्टिंग कहते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को मालूम पड़ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। और बहुत अच्छी सीरीज आजकल चल रही है टीवी पे, मिस्टर बीन, उसमें भी डायलॉग है नहीं, तो वो सिर्फ अपनी कॉमेडी से, लाउड एक्टिंग से, स्पेशल एक्सप्रेशन से वो आपको बता देते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। और वो तो कॉमेडी है तो आप पहचान ही जाओगे, तो डायलॉग की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है कि ये सीखना बहुत ज़रूरी है, सीक्रेट एक्टिंग। क्यों सीक्रेट एक्टिंग इसलिए सीखना चाहिए कि जो डायलॉग नहीं होगा, समझ लीजिए आपको एक डायलॉग दिया गया है, भगवान के सामने आप खड़े हो और बोलते हो भगवान मैं आज तुम्हारे सामने आ गया हूँ, जो दीवार में डायलॉग था, या तो फिर और कोई भी डायलॉग हो, तो उसमें आप डायलॉग बोले बिना अपने एक्सप्रेशंस दिखाइए। उससे क्या होगा, एक्सप्रेशंस तो आप कर लोगे, एक्सप्रेशन दे दोगे, लेकिन उसमें अगर आपको साथ डायलॉग का भी मिलेगा तो और एक्सप्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि साउंड एंड एक्सप्रेशन वो दोनों मिला के सामने वाले को बहुत इफेक्ट होता है। तो अगर सिर्फ एक्सप्रेशन, तो आपको, आप लोगों को एक ही एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है कि आप लोग एक डायलॉग ले लीजिए, उस डायलॉग को सिर्फ बोले बिना एक्सप्रेशन से ही करते जाइए। आंखों से बहुत सी चीज़ें हैं आपके बोलने के लिए, आंखों से बोल दीजिए, होठों से बोलिए लेकिन आवाज़ नहीं आएगी, एक्सप्रेशन बताइए, चेहरे पर बताइए, तो उससे भी आप सामने वाले को अपनी बातें कन्विंस कर सकते हो, कह सकते हो। आपने देखा होगा बहुत से ब्लाइंड लोग, ब्लाइंड नहीं, जो बधिर लोग, यानी जो बोल नहीं सकते, तो उनकी स्कूल में मैं गया था, तो वहाँ पे भी वो लोग को हाथों के इशारे से बात करते हैं, लेकिन चेहरे का एक्सप्रेशन उनका इतना लाउड होता है कि बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही वो आपको सामने वाले को पता चल जाता है, वो लोग बात भी कर लेते। तो उनको, उनकी एग्जाम्स होती है तो वो लोग तो एक्सप्रेशन से ये इससे ही बता देते, आवाज़ भी नहीं आती, तो टीचर को मालूम भी नहीं पड़ता है लोग ने कॉपी कर। तो वही बात है, तो एक्सप्रेशन इज बेस्ट। तो जब डायलॉग्स, पहले बहुत से कहते कि जब ये भाषाएं नहीं बनी थी उस टाइम पे पब्लिक कैसे बात करती थी, तो ऐसे ही एक्सप्रेशन से बातें करती थी। तो एक्सप्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए, एक्सप्रेशन में एक डायलॉग आप लीजिए और डायलॉग बोल दीजिए मन में, और उसका भाव भाव जान लीजिए, उसके बाद सिर्फ एक्सप्रेशंस कीजिए। ये आप एक्सप्रेशन बढ़ाते जाइए और वीडियो में आप शूट करते जाइए,
अपने मोबाइल पर शूट करते जाइए, और जब एक महीने तक आप करोगे तो आपने इतने लाउड एक्सप्रेशन हो जाओगे, उसके बाद यही डायलॉग यही एक्सप्रेशन आप डायलॉग के साथ बताओ, तो डायलॉग के साथ बोलोगे तो और भी एक्सप्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन तो आपने लाउड कर दिया है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आपका आ रहा है, और डायलॉग बोल दोगे तो और ही अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे भी किसी ने पूछा था प्रश्न, दो तीन लोगों ने पूछा है कि सर हम लोग डायलॉग बोलने जाते हैं तो एक्सप्रेशन भूल जाते, एक्सप्रेशन भूल एक्सप्रेशन बताते तो डायलॉग्स भूल जाते, तो यही एक अच्छा तरीका है कि डायलॉग के साथ एक्सप्रेशन आप दिखाइए, एक्सप्रेशन लाउड कीजिए, उसके बाद डायलॉग बोलिए, और उसके बाद जब शुरू हो जाए एक्सप्रेशन आप लाउड बताने शुरू कर दो, उसके बाद आप डायलॉग बोलिए, वही डायलॉग देखिए, उस डायलॉग में चार चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज से ही ये एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, देखिए आपको बहुत फर्क पड़ेगा, और ऑडिशंस में भी आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप एक्सप्रेशन आपके चेहरे का फायदा उठाइए, आपकी आंखों का फायदा उठाइए, बोलने की जरूरत नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन अगर लाउड करोगे तो डायलॉग्स में भी फर्क पड़ेगा। एक नजीर हुसैन साहब करके एक आर्टिस्ट थे, सीनियर आर्टिस्ट थे, उनको मैं हमेशा देखते रहता था कि उनके एक्सप्रेशन इतने अच्छे आते थे, लाउड एक्सप्रेशन और डायलॉग भी इतने दिल से बोलते थे कि आदमी को छू जाते थे। कटी पतंग फिल्म में थे वो उसमें इतने अच्छे डायलॉग्स बोलते हैं कि आदमी को तुरंत छू जाते हैं। ये सब स्टेज के आर्टिस्ट लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सप्रेशन ज्यादा दिखाना पड़ता है, और उनको तो एक्सप्रेशन के साथ साथ डायलॉग्स भी मिलते तो और अच्छा हो जाता है। तो स्टेज पे देखिए, आपको तुरंत रिएक्शन भी हो जाएगा, और उनको भी मालूम पड़ जाता है कि सामने वाले देखने वाले पे क्या रिएक्शन हुआ है, और एक्शन रिएक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू कीजिए, एक डायलॉग ले लीजिए, इसको सिर्फ एक्सप्रेशन से रोज रिकॉर्ड कीजिए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, और आपको मालूम पड़ेगा 30वें दिन आपका इतना एक्सप्रेसिव हो जाएगा कि आपको डायलॉग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद डायलॉग्स के साथ ये एक्सप्रेशन आप शूट कीजिए, तो देखिए निखार के आ जाएगा, बहुत अच्छा निखार आ जाएगा। तो दोस्तों, आज से शुरू कर दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स।